जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। इस वक्त मैं नीम पीर सरकार के दरबार पर मौजूद हूँ। ये दरबार एक रूहानी पेशवा का है जो कि 1947 से पहले से यहाँ पर मदफून है। वो एक अब्दी नींद यहाँ पर सो रहे हैं। नाज़रीन, अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा पाए, यहाँ पर दरबार पर पहले DHA वालों की हट धर्मी, उनका एक ऐसा एक्ट जिसकी वजह से उन्होंने तमाम दीवारें गिरा दी, पहले दरबार शरीफ की, फिर उसके बाद एक्सियन और SDO की मिली भगत से इसके बिजली के कनेक्शंस भी काट दिए गए, जो कि बिल्कुल भी काबिले कबूल नहीं है। अवाम में, बाबा जी के चाहने वालों में शदीद गम और गुस्सा की लहर है। वो उनसे आज पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, कि एक्चुअल में मसला क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, क्या नाम है आपका? साजिद अली अवान है जी। जी साजिद अली अवान साहब है जो कि यहाँ के गद्दी नशीन है, हम उनसे जानते हैं कि आया कि मसला क्या है। मसला है जनाब, आज 3 दिन तो रात 1 बजे बगैर दसन तो बगैर अतला तो साढ़ा इन्होंने तो बिजली का कनेक्शन कट दिता, जो मेन आ रही थी साढ़े ट्रांसफार्म तो। लेकिन बुरे हाल परेशानी है साड़ी कि बच्चों के, यानी कि यूनिफॉर्म भी इसका अपना प्रेस नहीं कर सके असी, कि अज उन्होंने पेपर है स्कूल नहीं हो जा सके, ठीक है जी। और मेरी रहायश भी इधर है, मैं गद्दी नशीन हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा बेटा है उधर देखो, और बच्चे छोटे हैं मेरे, ये नजदीक वालों के बाल्टियां भर भर के पानियां मिला रहे हैं। इनके अपना SDO के पास गए हैं दफ्तर में, SDO तो नहीं मिले, उनके जो लैंडमैन थे ये वो, उसने कहा है कि जी ये SDO ने बोला कि ये कनेक्शन नहीं आपको मिलेगा, उसने मना कर दिया है। ये DH के पास आ गया, आप DH के पास जाओ। मैंने तो आज 3रा दिन हो गया चक्कर लगा लगा के परेशान हो गया हूँ, मैं बिल भी वक्त पे देता हूँ, ये मेरे बिल है। ये जगह जो है ये आपके नाम पे, ये जगह जो है ये सरकार, ये लागे जो जितनी भी जमीन थी ये हमारी थी, हमारे यानी के जमीन के अंदर था ये, इसमें शुरू से हम भी इधर रहते थे, इधर हमारे पास, ये 1947 से पहले का है दरबार। जब 1947 बना, पाकिस्तान बना, तो इधर ही दरबार था जी। बिल्कुल, अगर मेरा कैमरामैन फोकस करके आपको दिखा पाए कि ये जो बिजली का जो पहला बिल है वो 1989 में, यानी कि 1989 में पहले एक दफा अगस्त में पे किया गया, और उसके बाद ये अभी तक जमीन इनके नाम पर है, ये बिल इनके नाम पर है, जगह इनके नाम पर है, ये DHA की हटधर्मी है, और ये इनका मुंह बोलता सबूत है कि ये किस तरह जुल्म और बर्बरियत की मिसाल कायम कर रहे हैं DHA वाले। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਸਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਐਸਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ 15 ਤੇ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਆ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਾ, ਉਸਨੇ ਬੋਲਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਐਸੇ ਕਰੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਜਾਏ, ਅਦਾਲਤ ਮੇ ਗਏ, ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮੇ ਤਫਜ਼ ਦਿਆ ਹੈ कि इनको कुछ ना किया जाए, जो भी काम दरबार का इनको करना दिया जाए। तो अदालत के तहफ्फुज़ के बावजूद आपके बिजली के कनेक्शंस काट दिए गए हैं? बाद में काटे हैं, ये परसों काटे हैं, ये तो देखो ना किस दिन का ये अदालत ने हमें ऑर्डर दिया है कि इनको ये ना कर... फिर कहते हैं कि ये दरबार शिफ्ट कर देना है। इधर आए हैं लोग एक वो नक्शा लेकर गाड़ी में, उसने वो गाड़ी के ऊपर नक्शा रखा, तो वो इधर हम बैठे हैं साहब, तो उसने बोला है कि यार भाई इधर आओ, हम चले गए। ये तो हमें तो ये DHA वालों ने प्लाट दिया हुआ है, तो आप तो इधर, ये तो दरबार है। मैं कहा जी हूँ तुम्हारे सामने है सारी बात, भी ये प्लाट है या DHA का या दरबार है, ये तो तुम हूँ, मैं आप ही देख सकते हो जो भी है। जी नाज़रीन, बिल्कुल आपने ये जाना, हमारे साथ इस वक्त बाबा जी के चाहने वाले भी मौजूद हैं जिन्होंने शदीद गम और गुस्से की लहर है। अब आइए उनसे जानते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई जान, ये सबसे पहले का इंडिया पाकिस्तान बनने का पहले का ये दरबार है, ये कुछ किसी का कोई मसला नहीं। इधर बिजली भी इनके बाबे की अपनी है, लेकिन इनको चाहने वाले एक गांव नहीं है, ये तमाम गांव जो साथ साथ है वो इनको चाहने वाले हैं। अगर इकट्ठे करने हो तो इधर 500 बंदा हो जाएगा, लेकिन इंतजार नहीं, हम चाहते इनको मानने वाले हैं, ये सब बंदे इनको मानने वाले हैं, कोई ऐसी वैसी कोई बात नहीं। ये DHA वाले जो ना ये गलत कर रहे हैं, ये इनकी बिजली पहले सब तमाम गांव की साथ काटी है, उनको दे दी है, लेकिन ये अकेला दरबार की इसलिए काट रहे हैं, अभी इनको ना दें, यहाँ से इसको उठाया जाए, लेकिन ये नहीं होने देंगे हम गांव वाले इधर, क्योंकि ये क्योंकि मेरा मुर्शिद खाना है अलीपुर सजदा पीर जमात अली सरकार मीरे मिलत है, तो मेरा मुर्शिद खाना है, और सानू मुर्शिद खाने चो यही सबक मिलया है कि कोई भी चीज पाकिस्तान उन्होंने बनाया मीरे मिलत ने,
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇੰਤਸ਼ਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੌਕ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਅਫਸਰ ਬਾਲਾ ਸੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਕੀ ਬੱਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਬਹਾਲ ਕੀ ਜਾਏ ਔਰ ਹਮੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਔਰ ਚਾਹੀਏ ਬੱਤੀ ਬਸ ਬਹਾਲ ਕੀ ਜਾਏ ਜਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕੋ ਕੀ ਬਹਾਲ ਕੀ ਜਾਏ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀ ਜਾਏ ਜੇ ਆਪਕੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ ਔਰ ਅਫਸਰੋ ਕੀ ਵੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਗੀ ਹਾਂ जी नाजरीन बिल्कुल अगर जुल्म और बर्बियत की यही दास्तान कायम रही तो एक आदमी कहाँ जाएगा जमीन वाले जीने नहीं देते आसमान दूर बहुत है एक आदमी जाए तो जाए कहाँ अस्सलामुअलैकुम जी वालेकुम सलाम जी जी क्या नाम है आपका हाकम अली जी जी हाकम अली साहब डीएचए ने मजहबी पेशवा को भी नहीं बख्शा उन्होंने इसके साथ खिलाफ भी जुल्म किया इस पे आप क्या कहेंगे जी बिल्कुल ज्यादती की है एक मुद्दत से इनका कनेक्शन लगा हुआ है और इन्होंने बगैर इतला दिए इसे डिस्कनेक्ट कर दिया तो अभी ये भाई रजू कर रहे हैं तो इनकी सुनाई नहीं हो रही तो इस मीडिया की वसात से हमारी दरखास्त है कि इसको बहाल किया जाए हमारी हुकामे बाला से ये अपील है कि बाबा जी के दरबार के जो बिजली के कनेक्शंस हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और लोगों को जीना जो है उनका दोभर ना किया जाए उनको सूखा सांस लेना जाए।